आपकी कोई दोस्त है और आपकी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और आपको रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि नहीं यार लाइक मुझे अब इससे ना फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, आपके अंदर वो वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो गई हैं, अब आप एक दुविधा में फंस गए हो कि आपको उसके सामने अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, अगर बताना भी चाहिए तो किस तरह बताना चाहिए। तो इसी चीज़ का हम इस वीडियो में आंसर ढूंढेंगे कि आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए और कैसे बताना चाहिए। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैट, करिए फिर शुरुआत। चलो फिर मैं अगर अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से आपको अपनी फीलिंग्स को दूसरे पार्टनर को बताना चाहिए। उसके पीछे दो प्रैक्टिकल रीज़न है जिनकी मैं बात करूंगा। सबसे पहला प्रैक्टिकल रीज़न ये है क्यों बताना चाहिए, वो ये है आपका जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि वो लड़की आपके साथ हर चीज़ शेयर करती है। जब भी वो किसी और लड़के के बारे में आपसे बात करेगी आपको हर्ट होगा। अगर वो लाइक फॉर एग्जांपल उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है और आपको वो बताती है कि हाँ यार मुझे इस लड़के में इंटरेस्ट है या फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है या फिर उसके लिप्स देख कितने अच्छे हैं या फिर उसकी बॉडी देख कितनी अच्छी है, कहीं ना कहीं वो जो हमारी एक वो मैन ईगो होती है ना, चाहे मैन ईगो भी ना बोलो, हमारी अपनी ईगो जो होती है वो हर्ट होती ही होती है, हमें दिल में बुरा लगेगा ही लगेगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप उसे फ़ोन करते हो और उसका नंबर बिजी आ रहा है, फॉर एग्जांपल उसकी लाइफ में कोई आ गया या नहीं भी आया, वो किसी अपने रिलेटिव से बात कर रही है लेकिन फिर भी उसका नंबर बिजी आ रहा है, आपने ट्राई किया नंबर बिजी आ रहा है, ट्राई किया लेकिन उसके बाद वो सो गई, आपको बैक कॉल नहीं आई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दो पार्टनर है वो एक सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, आपको हर्ट होता रहेगा जब तक आप अपनी फीलिंग्स को बताओगे नहीं। अब कई लोग इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप ऑलरेडी चल रही है वो ख़राब हो जाएगी। इसके साथ ही मैं देता हूँ आपको दूसरा प्रैक्टिकल रीज़न कि क्यों आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए, वो ये है कि मैंने 99% केसेस में जो अपनी लाइफ में लाइक एक वो अनुभव किया है या मैंने अपने आसपास देखा है वो ये है कि जो हमारी लड़कों की लड़कियों के साथ जो फ्रेंडशिप होती है ना वो शॉर्टर पीरियड के लिए होती है एज़ कम्पेयर टू लड़कों की जो लड़कों के साथ होती है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसकी वो वाली फैमिली, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तो यानी कि अगर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें, आप अपनी फीलिंग्स को अभी नहीं बताते भी कहीं आपकी फ्रेंडशिप ख़त्म ना हो जाए या फिर जैसे अभी बात होती है वो होनी कम ना हो जाए, मेरे भाई एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब आपकी बात होनी कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी कहीं और शादी होगी और आपने अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया, आप दोनों टच में तो रहोगे, ठीक है, दोनों में आपस में बात हो रही होगी, फेसबुक पे एक दूसरे की फ़ोटो तो लाइक करोगे, हल्की फुल्की हेलो हाय तो चलती ही रहेगी, एक दूसरे के बच्चों के हालचाल के बारे में तो पूछते ही रहोगे। ये चीज़ तब भी होगी जब आप उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देते हो और भगवान ना करे वो नहीं मानती है। वो क्यों? क्योंकि जब आप उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओगे आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने सिर्फ अपनी फीलिंग्स को बताया है, आपने कोई गाली नहीं दी, आपने कुछ फिज़िकली उसको कुछ हार्म नहीं पहुँचाया है कि वो लाइफ टाइम आपसे बात नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी फीलिंग्स को बताया और उसने बोल दिया नो, राइट, उसके बाद तुम्हारी वैसी बात नहीं होती जैसे होती थी, वो कम हो गई फॉर एग्जांपल, एंड धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा कम होगी, लेकिन फिर भी जब 2-3 साल बाद अगर तुम एक दूसरे को मैसेज भेजोगे ना वो भी आप अपनी लाइफ में आपको मिस करेगी, और जब एक दूसरे को मैसेज भेजोगे तब भी आप टच में रहोगे क्योंकि आपने उसका बुरा नहीं किया है कि वो आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल ऐसे चाय में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकेगी। तो यानी कि एट द एंड टच में तो रहोगे ही रहोगे। इन दो प्रैक्टिकल रीजंस के कारण मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए। ये कन्फ्यूजन दूर, बताना है या नहीं बताना, अब आपको बताना कैसे है, फ़ोन पे या फिर चैट पे, व्हाट्सएप चैट पे, इंस्टाग्राम मैसेजेस पे, फेसबुक मैसेजेस पे, यानी भी कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है उसके थ्रू नहीं बताना, फेस टू फेस बताना है। आपको क्या करना है कि ऐसे नहीं बुलाना कि हाँ यार मैं तो इससे कोई बात करना चाहता हूँ आजा मिलते हैं, नो, क्योंकि आपने अपने दोस्त को ऐसे कभी बोला ही नहीं। आप जैसे नॉर्मली मिलते हैं ना, जैसे एज ए दोस्तों की तरह कभी जब बस मिले या फिर आपको पता है कि यहाँ यार कल उससे मिलना है, वो एक नेचुरल वे में बताना है जब आप मिलो। अब आपको बोलना क्या है, आप ये बोल सकते हो फॉर एग्जांपल कि लाइक पिछले 2-3 महीने से मैं हमारे रिलेशन में है वो है, मैं तेरी तरफ कुछ ऐसा फील कर रहा हूँ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके, एंड मुझे और भी अच्छा लगेगा कि
अगर आप में भी या तेरे में भी अगर कोई ऐसी फीलिंग्स है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे से कुछ तरह अपना थोड़ा सा इमोशन सा बना के, लेकिन जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो ये बोलने वाला है कि मैं अभी कोई प्रेशर नहीं दे रहा कि हाँ तू अभी हाँ ही कर या अभी ना ही कर, मैं कोई प्रेशर नहीं दे रहा। इट्स जस्ट दैट कि मैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने या तेरे सामने रखना चाहता था, क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीने से इन फीलिंग्स को अपने मन में लेके घूम रहा था। अब इसके बाद आपका जो भी आंसर है या तेरा जो भी आंसर है उसका हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, उसको प्रेशर में नहीं डालना। अब इसके बाद 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अगर उसके अंदर भी फीलिंग्स हुई वो अपनी फीलिंग्स को अपना जाहिर कर देगी, या फिर वो उस वक्त कोई भी आंसर नहीं देगी, या फिर वो ना कर देगी। लेकिन इसके बाद होती है गेम चेंज। अगर वो हाँ कर देती है देन अपने भाई को पार्टी दे देना, क्योंकि मोटिवेशन तो मैंने दिया। अगर वो ना कर देती है देन मेरे भाई आपको यहाँ पे क्रेजी बिहेव नहीं करना। क्रेजी बिहेव मेरा कहने का मतलब है वो पूंड आशिक नहीं बनना कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ। लाइक एक दिन में ही आप एक दोस्त से गुड मॉर्निंग जानू पे आ जाओ, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। यहाँ पे वैसे ही बिहेव करना है जैसे आप नॉर्मली अपनी फीलिंग्स को बताने से पहले कर रहे थे। यानी कि अगर आप दिन में एक बार एक जर्नली बात कर रहे थे, वैसे ही बात करो, चाहे वो स्कूल के रिलेटेड है, कॉलेज के रिलेटेड है, ऑफिस के रिलेटेड है, जिसके भी रिलेटेड आप नॉर्मल लाइक देखो क्या पहले कैसे कर रहे थे, आप वैसे ही अप्रोच करो। अब ऐसे करने से होगा क्या कि हाँ हो सकता है कि उसका जो आंसर है वो चेंज हो जाए, क्योंकि इससे हो सकता है चांसेस हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। हाँ यार लड़के ने हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने दिया, लड़का मच्योर है। लेकिन तीसरी ऑप्शन क्या थी कि वो टाइम ले सकती है। अब पॉइंट ये है कि वो कितना टाइम लेगी, ये नहीं कि हम उसकी लाइक उसके इंतज़ार में सालों 2 सालों बता दें, ऐसा नहीं करने को मैं बोल रहा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार अब इनफ हो चुका हुआ, अब तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया है इसने, आपको ना वो हाँ बोल रही है और ना वो ना बोल रही है, देन यहाँ पे जो मैं आपको एडवाइस करूँगा स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ भी है, आपको अपनी लाइफ भी बनानी है, चाहे वो मैं अपना फाइनेंशियली बोलूँ या फिर मैं इमोशनली बोलूँ। अगर वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रही है तो आपको भी अपनी लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा। स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस, क्योंकि यही स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस ही एक राइट स्ट्रेटजी होगी। मच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना है यार, वो बच्चों की तरह, वो पूंडाशे की तरह बिहेव नहीं करना कि 2-2 साल तक वेट करते रहे, आई होप शी विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, एक दिन वो उसे रियलाइज होगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और 2 साल से उसको रियलाइज ही नहीं हुआ है ना कितना प्यार करते हो, और मैं उसकी हैप्पीनेस ही देखना चाहता हूँ। ये वो ब्रो प्रैक्टिकल होके सोचो। ठीक है हम इंसान इमोशनल प्राणी हैं, लेकिन जहाँ पे लाइक ऐसी वीडियोज बनती हैं थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने के लिए मजबूर करती हैं, देन थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी भी कोई एक लाइफ होती है, अपनी भी कोई एक ग्रोथ होती है, आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये था इस सिचुएशन को थोड़ा प्रैक्टिकल वे से हैंडल करने का। कुछ बातें आपको दिल को बुरी तो लगी होंगी, मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ये वो नो है ना, बुरी तो लगी होंगी लेकिन ये रियलिटी है। तो ये थी वीडियो, पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो फिर सब्सक्राइब कर दिया करो, हौसला मिल जाता है, और तो क्या है।